Sheila! Sheila! सुग्रीव, जिसके कारण मुझे ऐसी अनुपम भक्ति का साक्षी बनने और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। जांबवंत जी, मेरे संकट के समय में आपका स्नेहपूर्ण आश्रय पाकर मैं धन्य हूँ। यहाँ आपको अपनी सुरक्षा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुग्रीव, मैं वाली भैया के हट से परिचित हूँ। जामवंत जी, मुझे ज्ञात है जब तक वे श्राप से सुरक्षित रहकर मेरा वध करने का कोई उपाय नहीं कर लेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। हनुमत राम के भक्त परम, राम काज एक लक्ष्य धरम। राम राम जपे ब्रह्मचारी, प्रस्तर पे प्रभु छब दियो कारी। सुग्रीव जामवंत आल्हा दिता, नैन कपि बरसे पे मुदिता। सत मन तुम भजते रघुवीरा, जय मारुति जय जय महावीरा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या हुआ देवी? अकस्मात आपकी निद्रा क्यों भंग हो गई? कुछ नहीं स्वामी, मैं ठीक हूं। परंतु आपको क्या हुआ है? ऐसी कौन सी चिंता है स्वामी, जो आपको अर्धरात्रि की इस वेला में भी विश्राम नहीं करने दे रही? मेरा शत्रु मेरे हाथों से बचकर निकल गया, और वो एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर छिपा बैठा है जहां मेरा प्रवेश करना वर्जित है। ये विचार मुझे कचोट रहा है देवी, जब तक मैं अपने हाथों से उस विश्वासघाती सुग्रीव का अंत नहीं कर देता, मेरा विश्राम करना असंभव है। आप व्यर्थ ही स्वयं को यातना दे रहे हैं स्वामी। आपके अनुज को तो पहले ही दंड मिल चुका है, वे वहाँ निर्जन वन में अपना दुख भरा जीवन व्यतीत करने पे बाध्य है, और आप यहाँ किष्किंधा के सिंहासन पर आसीन हैं। क्या इतना भी आपको पर्याप्त नहीं? स्वामी मेरी विनती सुनिए, अपने भ्राता को भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए उन्हें। स्वामी वे कोई साधारण अपराधी नहीं, आपके अपने प्रिय अनुज हैं। भूल जाऊं? असंभव। क्षमा कर दूं? कदापि नहीं।
महानतम वाली के द्रोही को दंड मिलकर ही रहेगा। मेरे साथ विश्वासघात कर उसने मेरे अनुज होने का अधिकार खो दिया है। अब वो मात्र परम शत्रु है मेरा। स्वामी, तन मन धन से आपके हित के प्रति समर्पित, आपकी अर्धांगिनी होने के अधिकार से आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने भ्राता के प्रति इस क्रोध को त्याग दीजिए। स्वामी, भूल जाइए अपना क्रोध। भाइयों का आपसे द्वेष सदा ही विनाश का कारण बनता है। विनाश होगा, अवश्य होगा, परंतु मेरा नहीं, मेरे द्वारा उस भ्रातद्रोही सुग्रीव का विनाश होगा। एक बार उस ऋषिमुख पर्वत पर प्रवेश करने का उपाय मिल जाए मुझे, सूझ गया, उस दुष्ट कायर सुग्रीव का वध करने का ऐसा उपाय सूझ गया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस ऋषिमय पर्वत की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता मैं, इसकी भूमि पर अपने पांव नहीं रख सकता, परंतु कहां रख सकता हूं ये मुझे ज्ञात हो गया है। क्या हुआ भ्राता सुग्रीव को? जय श्री राम। सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है, उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। गुरु सूर्य देव को दिए हुए वचन को निभाने का समय आ गया। हनुमान, रक्षा करो हनुमान।
कंधा के दंभी नरेश वाली, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। यदि ऋषि मुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पाँव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। जाने दो मुझे मरकट, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे हनुमान, छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दो, मैंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो मतंग ऋषि का श्राप पूर्ण रूप से प्रभावी होकर मेरा अंत कर देगा। मुझे छोड़ दो हनुमान, जाने दो मुझे। मुझे इस प्रकार मारकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा हनुमान? सुनो, भविष्य में मैं कभी भी इस पर्वत की ओर नहीं आऊंगा और ना ही सुग्रीव को आहत करने का प्रयत्न करूंगा। मुझे जाने दो। आप वचन देते हैं? हाँ, हाँ मैं वचन देता हूँ। मेरा हाथ पकड़िए भ्राता सुग्रीव। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत का जिस शीश पे हाथ, उसको नाही भय की बात। गुरुवर को दत्त वचन निभायो, वाली से सुग्रीव बचायो। धर दे मस्तक तुम्हारे चरणा, ले लो कपि सब जग को शरणा। सब सुख तुम्हारे पांव तली, जय 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 बजरंग बली। मित्र हनुमान, यदि आज तुम न होते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। हनुमान, मैं तुम्हारा आभारी हूँ पुनः मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए। मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा हनुमान। महाराज सुग्रीव, आप निश्चिंत रहिए, अब हनुमान के भय से वाली यहाँ कभी लौट कर नहीं आएगा। भ्राता सुग्रीव, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। ठीक हो गया मैं, पुनः स्वस्थ हो गई मेरी त्वचा। उचित समय पर मेरी बुद्धि ने मेरा साथ दिया, अन्यथा आज मतंग ऋषि के श्राप ने तुम्हारी रक्षा की है सुग्रीव, परंतु महानतम वाली जो चाहता है उसे पूरा करके ही रहता है। इसलिए ये कदापि नहीं सोचना सुग्रीव कि वाली इस असफलता को स्वीकार कर शांत बैठा रहेगा। मेरी प्रतिहिंसा की अग्नि तुम्हारा भक्षण अवश्य करेगी। देखता हूं वो मरकट कब तक तुम्हारी रक्षा करता है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः। अरे ये पोटली कहां से गिरी? प्रभु मेरी रक्षा कीजिए।
उस विमान में अवश्य किसी स्त्री के संकट में होने का संकेत है। मुझे शीघ्र जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उस विमान तक पहुंचने के पूर्व ही मैं तो नीचे खींचा जा रहा हूं। मुझे और ऊंची छलांग लगानी होगी। अभी तो वो विमान यही था, अकस्मात अदृश्य कहां हो गया? कठिन हो रहा है आकाश में स्थिर रहना मेरे लिए। अवश्य ये पोटली उसी स्त्री की है जो व्याकुल स्वर में अपने स्वामी को पुकार रही थी। क्या हुआ जामवन जी? ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये आभूषण माता सीता के हैं। माता सीता? हाँ, माता सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी। माता सीता? हाँ हनुमान। प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता के आभूषण है ये। उनके व्यथित स्वर से तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि वो किसी भारी विपदा में थी। और क्या हनुमान? और इतनी ऊंची उड़ान भरने में मैं असमर्थ, उनकी कोई सहायता नहीं कर पाया और उन तक पहुंचने से पूर्व ही वो विमान मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। यदि सच्चे मित्र का साथ हो तो शत्रु कितना भी बलवान हो कोई हानि नहीं पहुंचा सकता।